हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमारा ये चैनल यूजीसी नेट अरबिक के लिए खास है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीवाईक्यूज़ वगैरह जो है हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं। लेकिन अक्सर जो चीज़ें हमारे इस चैनल पर आती हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ अरबिक के ताल्लुक से वो तमाम चीज़ें आती हैं। अब तो यूजीसी ने पीएचडी के लिए भी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो कंपलसरी कर दिया है, ताकि जो है इसी के स्कोर कार्ड से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के दाखिले हो सकें। आज मैं जिस लिए वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले जो है इस ताल्लुक से एक वीडियो आ चुकी है जो तकरीबन 6 से 8 महीने पहले आई थी, जब हमारी पहली दफ़ा जो है किताब लॉन्च हुई थी, अद्दलीलुस सदूक लित्तालिबित्तमुह के नाम से। ये किताब आप लोग बेसिकली जानते हैं कि यूजीसी नेट अरबिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है तैयारी के लिए किताब है, क्योंकि हम तमाम लोग ये चीज़ बखूबी जानते हैं कि हमारे पास वक्त कम होता है। एमए के बाद या एमए के बीच में किसी को जॉब करनी होती है, किसी को दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं, या जिम्मेदारी ना भी हो तो हमारे पास मटेरियल्स जमा करने के लिए उतना वक्त नहीं होता है कि हम मटेरियल्स को जमा करें, फिर उसको दिखें, फिर उसको याद करें। तो हमने अपनी ये गाइड बुक जो है लॉन्च की थी, तकरीबन पहला जो एडिशन रहा वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो गया। दूसरे एडिशन को लॉन्च करने में हमने थोड़ा सा वक्त लिया, इसके अंदर बहुत सारी कमियां जो थी वो हमने जो है इसको मुकम्मल की। अभी भी बहुत सारी कमियां हमें और दिख रही हैं जो अगले एडिशन्स में मुकम्मल होती रहेंगी धीरे धीरे। तो इस सेकेंड एडिशन में जो है हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है चेंज की, जैसे इल्मे आरूज का बहस जो है इसके अंदर नहीं था वो हमने ऐड किया। इसी तरीके से जो पेपर्स को हमने देखा तो इल्मे सर्फ की बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तकरीबन हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन आता है, तो वो हमने ऐड किया। और बहुत सारी जो है लफ्जी गलतियां थी जो हमें जो है दोबारा रिव्यू करने पर पता चली, और जो है आप तलबा ने हमसे शेयर की तो हमने उसको सही किया। तो ये हमारा जो है अद्दलीलुस सदूक लित्तालिबित्तमुह का सेकेंड एडिशन आप लोगों के लिए आ चुका है। एक बड़ी जो है जो बच्चों की शिकायत थी कि इस किताब का हजम जो है काफी बड़ा है जो फर्स्ट एडिशन आया था, जिसकी वजह से हमने इसके हजम को भी कम किया है। पहले ये सिर्फ 2 जिल्दों में पाई जा रही थी, यानी तकरीबन 700 सफ़े की पहली जिल्द और 750 सफ़े की दूसरी जिल्द थी, तो उसको हमने अब 3 पार्ट्स में बांट दिया है, ताकि जो है किताब हमें जो है कैरी करने में आसान हो। हम अगर बैग में लेकर जा रहे हैं तो वो जो है हम उसको सही से कैरी कर सकें, और हम उसको जो है अपने बैग में इधर से उधर लेके जा सकें, पढ़ते हुए हमें किताब जो है हैंडी लगे, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। इसी तरीके से हमने जो है इसको जो है बाइंडिंग में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी फर्स्ट एडिशन में, तो हमने इसके बाइंडिंग में सिलाई के ऑप्शन को और ऐड कर दिया, ताकि जो है इसके पेजेस जो है ज़्यादा मजबूती से जो है अपने जो है असल पर बाकी रहें और ये निकलने ना पाए। जो आप लोगों की जानिब से पहले एडिशन में सारे फीडबैक्स आए उसको हमने टैकल करने की कोशिश की, और हमने इस किताब को अच्छे से अच्छा तर करने की कोशिश की है। उम्मीद है ये सेकेंड एडिशन भी आप लोगों को खूब पसंद आएगा, और इसके अंदर भी जो आपको कमियां लगेंगी वो आप हमें जो है बताएंगे, ताकि नेक्स्ट एडिशन जब भी आए तो उसके अंदर ये कमियां जो है हमारी जो है ना रहे। तो ये फर्स्ट जो है वॉल्यूम है जो तकरीबन जो है 506 सफहात पर मुश्तमिल, इसके अंदर हमने बेसिकली इसकी जो खसूसियतें हैं वो हमने बैक पेज पर रखी हैं। इसी तरीके से हमने इस बार जो है उन लोगों के नाम भी जिक्र कर दिए हैं जिन्होंने इस किताब को लिखने में, इस किताब को तैयार करने में, इस किताब को आप लोगों के सामने लाने में जो है हमारी हेल्प की है। मोहम्मद सादिक आप लोग जानते हैं इनको, इन्होंने जो है सवाल जवाब को तरतीब दिया है। जो भी आपके 2000 से ज्यादा सवालत हैं जो बहुत अहम है, आपने अगर जो है इस किताब को पढ़ के पेपर दिया होगा तो आपको लगा होगा बहुत सारे सवालात जो है डायरेक्टली मैच कर रहे हैं, और बहुत सारे सवालात के कॉन्सेप्ट आपको जो है हेल्पफुल हो रहे हैं वहाँ पर। इसी तरीके से मेरा नाम बीच में है एदारुल तरतीब में, क्योंकि जो है इस किताब को मुरतब करने में मैंने अपने तकरीबन जो है 1.5 साल खर्च किए हैं। ये किताब जो है ऐसे तरतीब नहीं हो गई है, इस किताब में जो है मैंने 1.5 साल खर्च किए हैं, और जो है हमारे सईद नूर साहब जो जामिया से हैं इन्होंने इस किताब की तहकीक में, इस किताब की जो है प्रूफ रीडिंग में, बार बार इस किताब को पढ़ने में और इसको अच्छा से अच्छा तर करने में, जो एराबी गलतियां हैं, जो लिखावट की गलतियां हैं, उन तमाम चीज़ों को टैकल करने में इन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, मोहम्मद आकिब हैं, खब्बाब नफीस हैं, तौहीदा खातून है, किसी ने जो है इस किताब को टाइप किया है, किसी ने इस किताब की जो है प्रूफ रीडिंग की है, किसी ने इस किताब को जो है कि और दूसरी जो चीज़ें होती हैं पब्लिशिंग से पहले उनको जो है सही किया है, उनको जो है टैकल किया है।
तो ये पहला हमारा पार्ट रहा। दूसरे पार्ट के अंदर में जो है इस किताब के जो 2023 जून के जो बैच के जो हमारे जो है बड़े अच्छे स्टूडेंट्स थे उनके हमने कुछ फोटोज पीछे लगा दिए हैं, बस एक जो है मोटिवेशन के लिए, ताकि जब भी किताब आपके हाथ में रहे और आपको थोड़ी सी भी जो है अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो इनके चेहरे देखे तो आप सोचे कि हाँ देखिए अब जो है मेरा नाम भी आ सकता है यहाँ पर जो है, और हम भी जो है GRF ला सकते हैं। पेज पे जो है फोटो आना जरूरी नहीं कि GRF आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा, तो वो हमारे लिए बड़ी जो है खुशी की बात होगी। तीसरे पार्ट में रिसेंटली जो हमारा एग्जाम हुआ है उसके अंदर तकरीबन हमारे 6 तलबा जो है जो बैच से जुड़े हुए थे, हमारे एकेडमी से जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी एकेडमी भी चलती है, वहाँ भी जो है हम जो है इस किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ाते हैं और तलबा को लफ्ज़ टू लफ्ज़ जो है पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की उनकी फोटोज है। इसके अलावा जो है इस किताब से इस्तेफादा करने वाले 4 तलबा और हैं जो हमारे कोचिंग में नहीं थे, इसलिए हमने उनकी फोटोज नहीं लगाई, उन्होंने बेसिकली इस किताब से फायदा उठाया है और जो है उन्होंने अपने मैसेजेस में ये बताया भी है कि किताब कितनी फायदेमंद रही है। तो ये जो है हमारा तीसरा पार्ट रहा है और हमने इस किताब को 3 पार्ट में इसीलिए बांट दिया है ताकि जो है आपको जो है देखने में अच्छा लगे, आपको जो है पकड़ने में अच्छा फील हो, आपको पढ़ने में मजा आए। अब मैं एक चीज जो है बेसिकली थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो नए तलबा हैं इस किताब के बारे में जो है नहीं जानते हैं पहले से हमारे कोचिंग के बारे में, अगर वो इस वीडियो को देखें तो ये समझ सके इस किताब में है क्या, तो हम वो खोल लेते हैं। ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर जो है तकरीबन आपको 506 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है, और ये आपने 506 सफ़ात हैं इस किताब के अंदर। अब जो है बाकी चीजें तो सब चलती रहेंगी, लेकिन हम इसका जो है फहरिस्त देख लेते हैं, मुकतबायतुल किताब देख लेते हैं। इसके अंदर जो है पहले सबसे अलवहदा अलूला शेरुल अरबी हत्तल अब्बासी के नाम से है, और उसके अंदर ये तमाम टॉपिक्स असलोकल अरबिया मतारे उल मुअल्लका तला शरम बिन कुलसुम जुहैर बिन अबी सुलमान तरा बिन शद्दाद शनफरा वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद जो है दूसरा दूसरा यूनिट है अलवहदा सानिया नसरुल अरबी हत्तल अब्बासी के नाम से, इसके अंदर वो तमाम शख्सियात हैं जो हमारे कोर्स में हैं या उनसे जो है हमारे सवाल बनते रहते हैं, वो तमाम शख्सियात यहाँ पर दाखिल किए गए। इब्न मुफ़्फ़ा है, जाहिज़ है, इब्न अलामीद है, साहिब बिन अक्बात है, बदीउज़्ज़मा हमज़ानी है, कलीला दिमना है, किताब अल लैला व लैला है। उसके बाद जो है हर यूनिट के बाद जो है तकरीबन 200 से ज़्यादा सवाल दिए गए हैं ताकि आप उससे फायदा उठा सके। तीसरा हमारा यूनिट है अदबुल महजर वल अदबुल अंदलुसी के नाम से, इसे मुअश्शहात तरकीबुल मुअश्शहात अज़्जाज़ इब्न क़ज़मान शेरु तबिया और असनाबुल शेरु तबिया इब्न तुफैल हफ्सा बिनत अलहाज वगैरह ताल्लुक तमाम जो शख्सियात हैं हमारी इस यूनिट की उन तमाम को जो है इसमें रखा गया है। उसके बाद अखीर में 200 से ज्यादा सवाल ताकि आप उससे जो है अपनी तैयारी में जो है हेल्प ले सके। अब जो है थोड़ा सा बस ऐसे ही मैं दिखा दे रहा हूँ इस किताब को कैसे रखा गया है ताकि जो है यू पॉइंट वाइज बहुत सारी चीजें इसी तरीके से आपको पता है हमारी खासियत हमारे कोचिंग की कि हसन जय्या से जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो भी हमारे कोर्स में है उसको भी पढ़ाया जाता है, तो हमने उन चीजों को भी इसमें दाखिल कर दिया ताकि अब हसन जय्या अलग से भी आपको ना खरीदने की जरूरत पड़े। अगर आपके पास ये किताब है तो उसकी तमाम अहम चीजें आप यहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉलम वगैरह बहुत सारे बनाए गए हैं ताकि कॉलम से क्या होता है याद करने में आसानी होती है। हसन से याद के बाद ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स छोड़ दीजिए, पॉइंट्स में भी अलग से नोट्स हैं ताकि जो है आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये हमारा पहला पार्ट है जो तकरीबन 506 सफ़ात पर है और ये तमाम जो है आपके काम आएगा जब आप जो है पढ़ रहे होंगे तैयारी कर रहे होंगे अपनी जो है तो उसमें भी काम आएगी ये चीजें। अब जो है दूसरा ये क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट जो तकरीबन जो है 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है, ये पहले 2 पार्ट्स में थी तो एक पार्ट जो है 700 सफ़े पर दूसरा 740 सफ़े पर था, लेकिन जो है अब 3 पार्ट में हो गई तकरीबन 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है तीनों पार्ट्स। इसके अंदर हमने चौथा यूनिट रखा है, यूनिट को तरतीब से रखा है हमने जो है किताब को जो अलग पार्ट्स में हमने यूनिट्स को जो है वहदा उला नहीं कर दिया है दोबारा से। चौथा यूनिट जो है नक्त अदबी के ताल्लुक से है और इसके अंदर नक्त अदबी व आलाम मदखल इल मौसू नक्त लुगतन व इस्तिलाहन, और इस बार जो है ये वाले इस वाले यूनिट से शुरुआत में तकरीबन 10 से 12 सफ़ात पर नक्त के ताल्लुक से बहुत ही जामे जो है कलाम किया गया है और बहुत सारी चीजें जो है जमा की गई। इसको हमारे एक जो है साथी मोहम्मद आकिल साहब ने तैयार किया है और उन्होंने जो है इन तमाम चीजों को इस किताब के अंदर ऐड किया। उसके बाद वही शख्सियात जो हमारे कोर्स में हैं और सवाल जिनसे जो है आते रहते हैं। उसके बाद हमने वहदा खामसा इल्मुल बलागत वल अरूज, पहले जो है इस यूनिट के तहत सिर्फ सवाल थे लेकिन हमने इस बार जो है
उसके अंदर इल्म अरूज की बहुत सारी चीजें, खलील बिन अहमद के ताल्लुक से, अरूज के ताल्लुक से, और जो है जो हमारे बहूर हैं उनके ताल्लुक से जो तमाम मालूमात जो हमारे लिए जरूरी हैं वो इसके अंदर ऐड कर दी गई है। अब जो है सिर्फ एक चीज इस किताब के अंदर नहीं है, इल्म बलागत के ताल्लुक से इस किताब के अंदर जो है कोई लेसन नहीं दाखिल किए गए, बल्कि उनको सवालात में बहुत सारी चीजें कवर कर दी गई हैं। वो दाखिल ना करने की एक बड़ी वजह ये है कि हमें अगर इल्म बलागत के जो है पोर्शन को कवर करना है तो हमें बलागतुल वाजिहा मुकम्मल पढ़नी होगी। सिर्फ जो है इल्मुल बयान और इल्मुल मानी, इल्मुल बदी, ये तीनों पढ़ना होगा। इल्मुल मानी के अंदर कुछ चीजें छोड़ सकते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इल्मुल बदी और इल्मुल बयान को हमें मुकम्मल पढ़ना होता है। लिहाजा उन चीजों को इस किताब के अंदर दाखिल करके किताब का हजम बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, लिहाजा हमने उसको छोड़ दिया है। लेकिन सवाल जो है 200 से ज्यादा बनाए हैं जो कि काफी अहम है, इल्मुल बलागत से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। उसके बाद हमने 6th यूनिट में जो है अदबुल अरबी अल हदीस रख दिया है, ये जो है ताकि जो है किताब के हजम को जो है हम लोग टैकल कर सकें और उसको जो है संभाल सकें। इसके अंदर नहज अरबी प्लस अल हदीस है, उसके बाद तमाम शौरा है, उदबा है, शुर्रा जो है, रिवाइन है, मसरहिया निगार है, किस्सा कसीरा है, तकरीबन ये वाला जो है 6th यूनिट जो है आपके 200 सफहात पर मुश्तमिल है और तमाम शख्सियात को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। सिर्फ जो है ये यूनिट जो है काफी अहम है इस नाहिये से कि इस यूनिट के ताल्लुक से एक जगह पे चीजें जो है हमें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा पार्ट खत्म होता है और तमाम वो चीजें जो हम और हम शुरू में जैसे यूनिट के शुरू में इस तरीके के जो है कुछ जो है हम कॉलम्स वगैरह के जरिए कुछ चीजें वाजे करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर बोल्ड करते हैं ताकि जो है बोल्ड करके जो है पढ़ते हुए ताकि हमें आसानी हो, हमें क्या चीजों पर फोकस करना है वो हमें पता हो। इसको जो है हम कलर प्रिंट में छपवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी जो है बजट की कुछ कमियां हैं और जो है इस किताब की जो है प्राइस और हाई हो जाएगी, जिस चक्कर में जो है तलबा को जो है ज्यादा जो है दिक्कत ना हो इस किताब को खरीदने में, तो हमने कलर को जो है हमने अवॉइड किया है। लेकिन इंशाल्लाह जब इस किताब से हम मुतमईन हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर कि ये किताब आप लोगों के लिए अब आखिरी शक्ल इख्तियार कर रही है, तो आखिरी वाली जो प्रिंट होगी इंशाल्लाह हम जो है कलर प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आप लोगों को और अच्छे से जो है समझ आए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कलर में करवाएं। लेकिन हो सकता है उसके लिए हमें 1 साल या 2 साल लग जाए ताकि जो है ये किताब अपने आखिरी हिस्से को पहुंचे, जो भी गलतियां हैं जो है हमारी कम से कमतर हो जाए। तो ये जो है हमारा जो है दूसरा पार्ट है जिसके अंदर जो है सवालों जवाब उसी तरीके से जो है मौजूद है और उसके अलावा तमाम शख्सियात भी इस किताब के अंदर मौजूद है। अब जो है इस किताब का तीसरा पार्ट, उस किताब के तीसरे पार्ट के अंदर हमने जो है पहले और दूसरे पार्ट में तीन तीन वहदा तीन तीन यूनिट्स रखे हैं और हमने जो है थर्ड पार्ट के अंदर 4 यूनिट्स को रखा है। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो रखा है वो 6th यूनिट को रखा है, अब अहमुल मसादिर वल मराजिअ अल अरबिया को, इसके अंदर तमाम शख्सियात के साथ साथ असल तो हमारे इस यूनिट के अंदर किताबें हैं, लेकिन आपको मालूम है कि किताब लिखने वालों से भी सवाल आते हैं, तो हमने जो है इस किताब के लिखने वालों बयान तबीन किसने लिखा है उसके ताल्लुक से भी, फतूहुल बिलदान किसने लिखा है उनके ताल्लुक से भी हमने चीजें ऐड की हैं ताकि कोई भी ऐसा जो है जाहिरी चीज हमसे न छूट जाए जिसको हमें कर लेना चाहिए था और हमसे छूट गया ताकि हमारा एग्जाम किसी नाइये से खराब हो जाए। तो ये 6th यूनिट है। उसके बाद हमने जो है 8th यूनिट रखा है, जो है 7th हो गया देखने के नाइये से, 7th है, उसके बाद 8th है, इसमें मदरसा क्लासिकिया जदीदा है, मदरसा रोमांसिया है, मदरसा वाकई है, मदरसा रमजिया है, शेरुल हुर है, और इन तमाम में से जो अहम शख्सियात हैं इस यूनिट के अंदर इब्राहिम अब्दुल्कादिर माजनी, अब्दुलरहमान शुक्री, अहमद जकी अबू शादी, और जो है अलवहदत अदबुल अरबी अल हिंदी, इसके अंदर जो है अहमद जैनुद्दीन अल मलियाबारी, तख्तुल मुजाहिदीन, मोहम्मद अली थानवी, कशफ इस्तिलाहातिल फुनून वल उलूम, उसके अलावा ताजुल अरूस, हमीदुद्दीन फराही, तमाम शख्सियात को हमने जो है समोने की कोशिश की है ताकि आपका UGC नेट के साथ साथ हमारे PhD के लिए जरूरी है, नेट के लिए जरूरी है, JRF के लिए जरूरी है, MA के लिए जरूरी है, तमाम चीजों के लिए शख्सियात जरूरी है, हमें पढ़ना है इन शख्सियात को। इन शख्सियात को पढ़े बगैर हम जो है अरबिक में होने वाले एग्जाम्स को हम टैकल नहीं कर सकते, तो हम जो है इसलिए तमाम चीजें हम लोग जो है जमा कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद जो है 10वां यूनिट जो है तर्जमा अरबिया इंग्लिसी अलबिया तफीकतलुगविया और मालूम आमा, यानी इसके अंदर जो है हमारे जो है बहुत सारी चीजें, जैसे हमने जो अरब ममालिक हैं, जो तंजीमें हैं, जो शार है तमाम ममालिक का, वो जो है अलग अलग जो है कॉलम्स के जरिए वाजे किए हैं। फिर हमने एक एक पेज पर जो है तमाम ममालिक की अहम अहम चीजों को वाजे करने की कोशिश की है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंच सके, ज्यादा आसान तरीके से पहुंच सके और आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है अपने जहन में जो है कवर कर सके।
उसके बाद जो है हमने जामियत उद्दौला अरबिया, मनजमत उद्दौला अरबिया, रबता अल अदबिया, जमीयत अल अरबिया अल फतात, तमाम चीजें जो हमारे क्वेश्चन में आती हैं जहां तक हो सका है हमारी टीम से, जो है उन तमाम चीजों को जो है जमा करने की कोशिश की। आगे हम इसके अंदर और भी चीजें ऐड करते रहेंगे, जैसे जैसे चीजें जो है आती रहेंगी वैसे वैसे चीजें इंशाल्लाह ऐड होती रहेंगी, और ये किताब इंशाल्लाह जो है 1-2 सालों में आप लोगों को लगेगा कि ये किताब जो है आप लोगों के लिए जो है एक अहम जो है जुज हो गई है आपके इम्तिहान की इंशाल्लाह। और इसके जो अगर हमारा कोर्स तब्दील होता है तो उसके साथ जो है तब्दीली भी है, आती रही किताब में। लेकिन एक बात याद रखिए, अरबी का कोर्स अगर बाई चांस तब्दील होता है, एक साहब ने हमसे सवाल किया कि आप इस किताब को कैसे देखते हैं अगर हमने खरीद लिया और अरबी का कोर्स तब्दील हो गया, तो एक बात याद रखिए कि अगर कोर्स तब्दील होगा भी तो जो है अगर हमारा कोर्स 100% हम उसको माने तो 10% कोर्स तब्दील होगा, क्योंकि जो है क्या करेंगे, पहले क्या थे इब्ने मुकफ्फा हमारे कोर्स में जो है डायरेक्टली दाखिल थे, अब कलीला दिमना को दाखिल कर दिया, इब्ने मुकफ्फा को हटा दिया, ठीक है। अब जो है असरे हदीस की कुछ शख्सियात जो अभी दाखिल है उनको हटा देंगे, 2-4 शख्सियात को 2-4 नई शख्सियात लेकर आ जाएंगे, क्या होता है ऐसे ही कोर्स तब्दील होता है। ऐसा नहीं है कि तमाम जो है कोर्स को जो है जितनी भी शख्सियात है सबको हटा दिया और उसके बाद तमाम नई शख्सियात लेकर आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिज को कोई नहीं हटा सकता, इब्ने मुकफ्फा को कोई नहीं हटा सकता, इब्ने लमीद को कोई नहीं हटा सकता, जो है इब्न कैस जुहैर बिन अबी सलमा को कोई नहीं हटा सकता कोर्स से जो है, ठीक है। और अगर जो है वो हटाना नहीं, रिप्लेस कर देंगे, हो सकता है कि जो है नाबगा सुबियानी को लेकर आ गए, जुहैर को हटा दिया, हो सकता है। लेकिन जो है क्या जुहैर से सवाल आना बंद हो जाएंगे? नहीं बंद होंगे जुहैर से सवाल आना, यही जो है इस किताब की अहमियत है कि इस किताब में जो है वो तमाम अहम चीजें आपके लिए इकट्ठा कर दी गई हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा काम आएगी, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं इस किताब की फोटो कॉपी कर लेते हैं, क्या फायदा फोटो कॉपी करने का? फोटो कॉपी करने से आप 500 रुपये जो है बचा तो सकते हैं, लेकिन जो है उसके बाद किताब की जो हालत होगी आपके पास जिस तरीके से होगी, वो किताब के पढ़ने में मजा आएगी। एक किताब को पढ़ना और एक फोटो कॉपी को पढ़ने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो इस किताब को जो है ऐसे ही पढ़ी, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एब्रोविशंस भी जो है दाखिल कर दी, मालूमात हम इल्म नारूज के ताल्लुक से भी दाखिल कर दी हैं, इस्तिलाहात मुहिम्मा इल्म सर्फ के ताल्लुक से भी दाखिल कर दी हैं, अल्फैलु सुलासी अल मुजर्रद, अल्फैलु सुलासी मजीद फी, फैलु रुबाई अल मुजर्रद, फैलु रुबाई मजीद फी, अल्फैलु सुलासी अल मुजर्रद गैर सालिम, अल्फैलु सुलासी अल मजीद फी गैर सालिम, जो हमारे अबवाब हैं वो तमाम चीजें दाखिल कर दी गई। पहले जो फर्स्ट एडिशन आया था उससे जो है तकरीबन इसके अंदर 80 सफहात से ज्यादा जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ताकि आपके लिए ये किताब अच्छे से अच्छा तर हो सके। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जो है इसमें चीजें ऐड करते रहेंगे ताकि आपके लिए फायदेमंद होती रहे ये किताब, कभी भी जो है आपके जो है फायदे से ये किताब ना हटे। जैसे जो है हमने तमाम यूनिट्स तो देखे, हम 10th यूनिट देख लेते हैं जो बहुत अहम है, इस किताब का बहुत अहम पार्ट है, अल-ममलिका अल-मग़रिबिया के ताल्लुक से, इसमें रस्मी है, आमुल इस्तिक़लाल है, तारीख़ उत्तासीस है, आसिमा है, उमला है, शियार रस्मी है, शियार वतनी है, लुगा रस्मिया है, निज़ामुल हुकम, यही से तो सवाल आते हैं आपके, मलिक कौन है, उसरा हाकिमा कौन है, और बहुत सारी खाली जगह भी मौजूद है, ताकि जो है आपके साथ जब तैयारी करते रहे उसमें कोई नई चीज मिलती है तो वो ऐड करते जाए। जैसे जो है आपके जो है ये देख लेते हैं मजलिसुत तआवुली दौरिल फरीक, ये तमाम चीजें आपके लिए जो है उसमें रख दी गई हैं। आप जो है कुतुब सीरा अज़ातिया जो हमारे लिए अहम है वो यहाँ पर रख दिया गया, नीचे खाली जगह छोड़ दी गई है, ताकि आप जब PYQs करें अगर कोई चीज आपको ऐड करनी है तो ऐड कर लें। ये किताब जो है आपके साथ वर्क बुक के तौर पर भी काम करेगी, ठीक है। इब्ने खफाजा किसमें मशहूर थे, ये तो तमाम लिस्ट जो है हमने इस किताब के अंदर ऐड की है, और आगे हमारे पास इंशाल्लाह जो है जब हमारा नेक्स्ट एडिशन आएगा तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें और ऐड करेंगे, और ये किताब इंशाल्लाह आपके लिए काफी फायदेमंद होगी वक्त के गुजरने के साथ। तो आप इस किताब को, उसके बाद जो है हमारे 10th यूनिट के अंदर तकरीबन 300 से ज्यादा सवाल आते हैं, अगर हम मिन जुमला देखें जो है तीनों पार्ट्स में, अगर सवालात के तादाद देखते हैं 2000 से ज्यादा सवाल आते हैं, अगर कोई इन 2000 सवालात को भी अच्छे से कर ले तो इंशाल्लाह जो है 60% तो आपका ऐसे ही कवर हो जाता है, 60% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही टैकल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो है इस किताब को मुकम्मल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और जो है अगर आपने जो है इस किताब को बहुत अच्छे से टैकल कर लिया तो इस किताब के जरिए जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इबारत ने टकराती हुई नजर आएंगे इंशाल्लाह। अब हम दोबारा जो है अपने PPT पर जाते हैं और उसके बाद आगे की गुफ्तगू जो है गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो ये किताब जो है 3 पार्ट्स में हमने सारी चीजें आपको बता दी, उसके बाद जो है सबसे अहम सवाल आता है ये किताब कितने की है। तो ये किताब जो है
ये किताब आप लोगों के लिए सिर्फ 1500 रुपये में अवेलेबल, ठीक है, यानी जो है तकरीबन 1506 सफहात पर ये किताब मुश्तमिल है, 1500 रुपये में आपके ऑफलाइन में अवेलेबल है। दिल्ली से आप जो है 1500 रुपये में ये आप खरीद सकते हैं, दिल्ली से आकर मेरे घर जो है रिहायश गाह पर आकर जो है आप किताब ले जा सकते हैं, क्योंकि ये किताब मंजरे आम पर आ चुकी है, छप चुकी है, तो लोग आकर ले भी जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों के पोस्ट भी हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं, तो मैं जो है डिटेल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें जो है स्टेटस पर लगाता रहता हूँ, उससे पता चलता होगा ये किताब बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी चुकी है, जो हमारा सेकेंड एडिशन। लेकिन अगर यह किताब आप दिल्ली से आकर लेने के बजाय अपने घरों में बैठकर मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए अराउंड जो है 150 चार्जेस लगेंगे, जो कि आपके पोस्ट के चार्जेस होते हैं। आपको इंडियन पोस्ट के जरिए जो है ये किताब भेजी जाती है, जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उससे जो है यानी जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उससे 7 दिन के अंदर अंदर ये किताब पोस्ट हो जाएगी। पोस्ट होने के बाद वो जो किताब पोस्ट होती है आपके फुल पैक करके ये किताब जो है क्या कहते हैं पार्सल के जरिए पोस्ट होती है, ताकि आप इस तक जो है सही सारी हालत में पहुंच सके, ठीक है। वो तो आप जो है अपनी किताबें जो अगर आपको ये किताब अच्छी लगी, पढ़कर अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा, और जो लोग हमारे कोर्स में इनरोल्ड है उनको जो है पता होनी चाहिए कि इसी किताब से आपको पढ़ाया जाता है, यही वो किताब है जिससे आपको जो है पढ़ाया जाता है। और आपको अगर ये किताब ले लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस किताब के जरिए जो है आप क्लासेस भी कर सकते हैं और इस किताब को ही याद करके अपने नोट्स बनाने के टाइम को बचा सकते हैं, और इस किताब को जो है पढ़कर अपनी यूजीसी की तैयारी को मजबूत से मजबूत तर कर सकते हैं। तो यानी बात अखीर में यही रही कि अगर ऑफलाइन मेरे यहाँ से आकर लेते हैं तो आपको ये किताब 1500 रुपए की पड़ेगी, और अगर ये ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये किताब आपको 1650 रुपए की पड़ेगी, और ये किताब इंशाल्लाह आपके घर तक पहुंच जाए। 1650 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, पार्सल के जरिए किताब आपको भेजी जाएगी। हाँ, अगर आप स्पीड पोस्ट से मंगाना चाहते हैं जो कि काफी महंगा होता है तो उसके चार्जेस अलग है, लेकिन पार्सल के जरिए जो हम भेजेंगे 1650 रुपये में आप तक ये किताब पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। एक बहुत अहम जो है ऐलान जल्द ही आने वाला है, उसके बाद जो है उसको जब ऐलान जब आएगा दोबारा से मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा और वो ऐलान लोगों के सामने सुनाऊंगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। मा सलामा, इरल शुक्रन आला।